The vision of this scheme is to ensure inclusive and equitable quality education from preschool to senior secondary stage in accordance with the Sustainable Development Goal for Education. By 2030, it is to ensure that all boys and girls has complete free, equitable and quality education. So right now we are here with the JETPM of Upper Subansiri District. Let us know in details how is the JETPM going to conduct a quality education in the district. Sir, if you can highlight us on this gender disparities in education, क्योंकि कई कई जगह पे लड़कियों को आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लड़कियों को ज़्यादा तरफ घर में ही काम करते हैं, आगे education पे उन लोगों को focus नहीं मिलता है, उसके बारे में क्या कहना? मेरा नाम तादू बायर है, मैं JETPM चैतम ब्लॉक का है, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो जो पर्टिकुलर दापोरिजो कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, और मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश पंचायत परिषद का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। और अभी पता नहीं दूसरा एरिया में तो क्या है मालूम नहीं है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में इनइक्वलिटी तो नहीं है। हम पर्टिकुलरली मेरा फैमिली में भी हम अपना ही बेटी लोग को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में हम लोग दे रहा है, और गवर्नमेंट का तरफ से भी आज तो हम लोग को कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं कराया है। इस बार जो पंचायत राज को पावर डिवोल्यूशन दिया है, बोलकर गेजेट नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है, वो पावर डिवोल्यूशन देने के कारण से आज हम लोग को ट्रेनिंग अभी शुरू कर रहा है। इसमें हम लोग को एग्जैक्टली हम लोग को इन्वॉल्व कराने से एज ए इंडिविजुअल, हम नॉट एज ए JETPM ऑल्सो, एज ए इंडिविजुअल हम लोग ने हम पहले टीचर में भी था, आई रिजाइन डेट पोस्ट ऑल्सो, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हमारा वहाँ तो इनइक्वलिटी तो नहीं है, लेकिन गाँव में कुछ गाँव में कुछ थोड़ा मोड़ा एक दो तो होता होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि और हम अवेयरनेस देंगे कि यहाँ में इनइक्वलिटी नहीं होना है, बच्चा जैसे बेटा को भी बेटी को जैसे करके ये करना है, हम लोग पूरा सहयोग दे रहा है और कोशिश करेंगे, अवेयरनेस भी देंगे कि विदाउट गर्ल्स एजुकेशन योर सोसाइटी योर हाउस एवरीथिंग वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, इसलिए गर्ल्स एजुकेशन इज़ द मतलब एकदम ज़रूरी है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट पे देखा जाए तो पूरे कम्युनिटी भी है, पूरे कम्युनिटी फिलहाल तो उन लोगों को बहुत सोशल इनइक्वालिटी भी किया जाता है, तो इस पे आप लोग का क्या क्या फोकस रहेगा पूरे कम्युनिटी को एजुकेशन पे आगे बढ़ने के लिए? हमारा वहाँ तो पूरे कम्युनिटी बिल्कुल कम है, पर्टिकुलरली हम एक बार थोड़ा दूर में पड़ता है वो जो लेमिकिंग और ताक्सिंग के अंदर में, लेमिकिंग में एक दो फैमिली जरूर था आज था, लेकिन हम लोग की तरफ से एज ए टागिन कम्युनिटी हम लोग कभी भी पुरोहित को ऐसा भेदभाव तो नहीं है, तो हम अगर ऐसा है तो हम भी कोशिश करेंगे जाके हम कुछ भेदभाव नहीं करना चाहिए, इक्वल राइट देना चाहिए बोल के हम लोग तो कोशिश करेंगे। और हमारे अपर सुबनसिरी में लोअर पार्ट में तो ऐसा पूरा कम्युनिटी नहीं है। सर, फ्री एजुकेशन के बारे में क्या कहना है, क्योंकि अभी इथानगर में ही फ्री एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल पे, आपको ये फ्री एजुकेशन पे क्या ये जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है फ्री एजुकेशन पे दता रहेगा? नहीं, फ्री एजुकेशन तो हम तो सोचते हैं कि गवर्नमेंट उसको पॉलिसी करना चाहिए, अभी तक तो हम देखा है बच्चा लोगों को तो मैक्सिमम क्लास वन से मतलब एडमिशन शुरू करा लेता है, इसलिए वही गवर्नमेंट का डिसीजन है। हम लोग अगर कुछ होने से गवर्नमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा MLA है मंत्री है, उन लोग से डिस्कस करके प्री एजुकेशन तो मैंडेटोरी है देना चाहिए। और इसके भी मतलब इस विषय में भी हम ये कहना चाहूँगा कि हमारे पर्टिकुलरली गवर्नमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम टीचर उसको ट्रेनिंग मैंडेटोरी देना है, ट्रेनिंग मैंडेटोरी दे के इसके बाद में मैंने बहुत जगह में देखा है कि मैंने क्वालिटेटिव टीचर नहीं मिलता है, अगर उन लोगों का ऐसा ये है तो मैंडेटोरीली रिटायरमेंट भी दे देना चाहिए, गवर्नमेंट यही पॉलिसी करना चाहिए कि द पर्सन हु कुडंट एग्जैक्टली टीच दिस इज बिकॉज सिंस यू आर अ टीचर यू आर इन द प्रोफेशन, मतलब ये अपना प्रोफेशन को अगर अच्छा से नहीं निभा पाएगा तो उसको मैंडेटोरीली रिटायरमेंट देना चाहिए और ट्रेनिंग मैंडेटोरी करना है, और इस ट्रेनिंग में भी टीचर को ही ज़्यादा ट्रेनिंग देना है। हम लोग तो पढ़ाता नहीं है, हम लोग तो जस्ट अवेयरनेस ही देगा, लेकिन टीचर को ज़्यादा ट्रेनिंग देना चाहिए। और प्री एजुकेशन को तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी की बात है, गवर्नमेंट जो करके हम लोग कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को। रिवोल्यूशन ऑफ पावर है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को दिया गया है, उस पर आपका क्या कहना? हाँ, ये ज़रूर हम कुछ कहना चाहूँगा
ये फॉरवर्ड रिवोल्यूशन जो पंचायत में दिया गया है, इसमें ऑल द पब्लिक जो हम लोग को उम्मीद करके इलेक्टेड किया है, इन लोग को भी बहुत खुशी है। ये गवर्नमेंट का थ्रू जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव में तो बहुत एफिशिएशन दे रहा है, और हम लोग भी बहुत खुशी है। हम लोग को भी आशा है, पब्लिक जो उम्मीद करता है कि हम कुछ डेवलपमेंट के पार्ट में कर देगा, जो पावर रिवोल्यूशन किया तो हम लोग आशा है कि हम लोग कुछ कर सकता है। पावर रिवोल्यूशन में तो 29 सब्जेक्ट्स हैं, इन ये 29 सब्जेक्ट्स में ही एजुकेशन का भी आता है, तो अभी जो है आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उस पर आप लोगों का राइट टू फ्री एजुकेशन है बच्चे लोगों का, आप उस पर कितना वो रहेगा कि राइट टू एजुकेशन दिया जाए, कैसे दे? जी, ये आज का जो ट्रेनिंग जो हो रहा है वन डे ट्रेनिंग जो हो रहा है स्टेट में, इसको भी हम बहुत कोशिश है कि एजुकेशन के बारे में तो बोलने से तो यही तो सबसे बैकग्राउंड है, मेन चीज़ है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका आगे और एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। मेबो सर्कल का जो ZPM है, क्या मेबो सर्कल में भी ऐसे कुछ लड़कों का भेदभाव होता है? एजुकेशन में आप लोग लड़कियों को कैसे आगे लेके जाएंगे? जी हाँ, ये एक्चुअली हम लोग जो लड़की के लिए जो सोचता है, इन लोग स्पेशली हम लोग को प्रोविजन देना चाहिए कि एजुकेशन तो इन लोग को बहुत आगे जाना चाहिए। तो हम सोचता है इन लोग को एनकरेजमेंट जरूर देना चाहिए एजुकेशन के बारे में, और इन लोग का इसमें 100% सिक्योर होता है। सर, जो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जो स्पेशल एबिलिटीज़ है, उन लोगों को भी फोकस किया जा रहा है ये एजुकेशन पे, तो आप लोग उन लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे जो दिव्यांगजन से? जी हाँ, ये एक बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा बात जो आपने हमको प्रश्न जो किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये हम सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में भी, जिला में भी, जिला लेवल में, डिस्ट्रिक्ट में भी हम करें ऑर्फेंस जो होता है, जो हैंडीकैप्स जो है, इन लोग के लिए स्पेशल एक प्रोविजन गवर्नमेंट का थ्रू होने से बहुत अच्छा लगता है। रिगार्डिंग दिस, सबसे पहले तो मैं ये प्रोग्राम जो वन डे और वो जो वन डे प्रोग्राम जो रखा गया है, उसके लिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस ट्रेनिंग रिलेटेड टू डेट। एंड देन ये बाई 2030 जो फ्री एजुकेशन बहुत बॉयज़ और गर्ल्स को कंप्लीट फ्री एजुकेशन मिलने का जो गवर्नमेंट का जो एम है, जो मकसद है, जो गोल है, वो हम सब PRI मेंबर स्पेशली ये इंश्योर करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक्स में, अपने अपने स्कूल में, हर बोर्ड बॉयज़ और गर्ल्स दोनों फ्री एजुकेशन मिल रहा है, ये इंश्योर करेंगे। वी विल इंश्योर दैट दे आर गेटिंग बोर्ड फ्री एजुकेशन, दे आर गेटिंग फ्री यूनिफॉर्म्स, दे आर गेटिंग द ऑल द फैसिलिटीज दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग, दैट वी विल ट्राई टू इंश्योर एंड implement it completely to achieve the goals as set by the government. The vision of this scheme is also to reach out to this person with disabilities or special abilities, the Divyangjans, and also for the indigenous people, children in vulnerable situations. So aap log is pe kaise approach karenge in logo ko? See, the new India should aim at empowering the disabled persons. I won't say disabled person, but then differently able persons, specific abilities. At this would also open opportunities, which would let them shine differently. Differently able people have been and are still subject to inequalities. Un logo abhi bhi differently able persons ko differently inequalities se jaisa treat kiya ja raha hai, but then with time ye scenario change ho gaya hai. With time this scenario is changing, and with the necessity of education the government is highlighting in rurals and both in rural and urban areas, among all the classes, different able person people are getting the opportunities to get proper education and improve their condition. So isme we will also ensure, along with the help of my PR members and also with the help of education department, that the government will reimburse all the expenditure they incurred for on books, uniforms and transports of disabled students, that we'll try to ensure, because these facilities are being given by the governments. And then we will also try to ensure that 5% of the disabled persons are getting admissions in different educational institutions.